हेलो फ्रेंड्स, इडू एरा चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं टीआई प्लाज्मिड और उसके मुख्य संरचना के बारे में। टीआई प्लाज्मिड, जिसे ट्यूमर इंड्यूसर प्लाज्मिड भी कहा जाता है, और ये डाइकोट प्लांट्स में क्राउन गोल डिजीज़ उत्पन्न करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह प्लाज्मिड 200 केबी लंबा और इसका अणुभार 1.2×10⁸ डाल्टन होता है। यह टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया के द्वारा डाइकोट प्लांट्स की पहचान कर उन पादपों में क्राउन गोल डिजीज उत्पन्न करता है। डाइकोट प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एक विशेष फिनोलिक यौगिक एसिटोसाइरिंगोन का सिक्रेशन किया जाता है, जिसकी पहचान एग्रोबैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड के द्वारा अथवा अपनी पाइलाई की सहायता से आसानी से कर सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा एसिटोसाइरिंगोन का सिक्रेशन नहीं किया जाता, इस वजह से एग्रोबैक्टीरिया मोनोकोट प्लांट्स को इन्फेक्टेड नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं कि यह जो टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड में मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं। एक इसमें टीडीएनए सेगमेंट पाया जाता है, दूसरा इसमें वीआईआर रीजन, जिसे वर्डलैंड रीजन कहते हैं, यह मौजूद पाया जाता है। यह टीआई प्लाज्मिड तभी इन्फेक्शन की क्षमता उत्पन्न कर सकता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया कर सकता है, जब इसके अंदर दोनों भाग उपस्थित पाए जाएंगे। इसमें से किसी भी एक भाग के एब्सेंट होने पर एग्रोबैक्टीरिया इन्फेक्शन की क्षमता नहीं रख सकता, इस एग्रोबैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया नहीं की जा सकती। यहाँ पे यह जो टीडीएनए सेगमेंट होता है, जिसे ट्रांसफर डीएनए भी कहते हैं, यही वह सेगमेंट है जो टीआई प्लाज्मिड से अलग होकर होस्ट डीएनए के साथ जुड़कर रिकॉम्बिनेंट सेगमेंट का निर्माण करता है। टीआई प्लाज्मिड में एक टीडीएनए सेगमेंट पाया जाता है, दूसरा वायलेंट रीजन एक साथ उपस्थित पाए जाते हैं। जबकि कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर हमें ये भी देखने को मिलेगा जहाँ पे टीडीएनए और वीआईआर रीजन एक ही बैक्टीरिया के दो अलग अलग प्लाज्मिड में उपस्थित पाए जाते हैं। बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड की, तो यह डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है। यह उन बैक्टीरिया के भी अंदर स्थानांतरित हो सकता है जिसमें यह नहीं पाया जाता, मीन्स इन बैक्टीरिया के द्वारा टीआई प्लाज्मिड कंजुगेशन की क्षमता दर्शाता है, इस वजह से इसे कंजुगेटिव टाइप प्लाज्मिड भी कहा जाता है। यह संयुग्मन के द्वारा उन जीवाणुओं में भी स्थानांतरित हो सकता है जिन जीवाणुओं के अंदर टीआई प्लाज्मिड का अभाव पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं, इनके द्वारा उन विशेष प्रकार के एंजाइम्स को कोड किया जाता है जिनके द्वारा ओपाइंस पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ये ओपाइंस विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि मुख्य रूप से नेपोलाइन व ऑक्टापाइन प्रकार के होते हैं। नेपोलाइन का सिक्रेशन करने वाले प्लाज्मिड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो यहाँ हम टीआई प्लाज्मिड के C58 स्टेन को शामिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम ऑक्टापाइन के सिक्रेशन करने वाले प्लाज्मिड के एग्जाम्पल की बात करें, तो टीआई प्लाज्मिड ACH5 स्टेन को शामिल कर सकते हैं। वहीं इनके संरचना के बारे में कुछ बात करें, तो जो C58 स्ट्रेन होता है, यह 194 केबी लंबा सेगमेंट है, डबल स्टैंडर्ड प्रकार का है, जिसके द्वारा नेपोलाइन का सिक्रेशन किया जाता है, इस वजह से इन्हें नेपोलाइन टाइप प्लाज्मिड भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें ACH5 स्ट्रेन की, तो यह 210 केबी लंबा होता है, डबल स्टैंडर्ड प्रकार का होता है, और इनके द्वारा ऑक्टापाइन का सिक्रेशन किया जाता है, इस वजह से इन्हें ऑक्टापाइन टाइप प्लाज्मिड कहा जाता है। बाकी जो संरचना होती है वह इन दोनों स्ट्रेन की लगभग एक समान प्रकार की होती है। टीआई प्लाज्मिड की संरचना की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जैसा कि हमने कहा था, मुख्य रूप से टीडीएनए सेगमेंट और वीआईआर रीजन पाया जाता है, जिसे मुख्य रूप से हम चार रीजन के अंदर डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। पहले बात करते हैं ए रीजन की, जिसके अंदर मुख्य रूप से टीडीएनए को शामिल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करते हैं बी रीजन की, तो जिसके अंदर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को इंक्लूड करते हैं। सी रीजन के अंदर रीजन ऑफ कंजुगेशन को इंक्लूड किया जाता है, और डी रीजन के अंदर हम वायलेंट रीजन को, जो कि संक्रमण उत्पन्न करता है, डाइकोट प्लांट्स की पहचान करने की क्षमता दर्शाता है, उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है। टी डीएनए के अंदर तुम नोस ऑक्सिन सिंथेसिस करने वाले जीन्स, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस करने वाले जीन्स भी उपस्थित पाए जाते हैं। इसके अलावा यह जो टीडीएनए सेगमेंट है वो लेफ्ट बॉर्डर व राइट बॉर्डर के द्वारा आसानी से पहचान में आ जाता है। यहाँ पे ये जो बॉर्डर बेस होते हैं, ये बॉर्डर बेस इस टीडीएनए सेगमेंट की पहचान के लिए, इसके कटाव के लिए, वह इसे प्लाज्मिड से अलग निकालने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।
टीआई प्लाज्मिड के जो वीआईआर रीजन है वह ऐसे एंजाइम्स को कोड करता है जिनकी सहायता से होस्ट सेल की पहचान की जाती है और उन दोनों के बीच का अटैचमेंट की क्रिया संपन्न की जाती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब इस प्लाज्मिड के अंदर टीडीएनए और वीआईआर रीजन दोनों एक साथ उपस्थित पाए जाते हैं तभी प्लाज्मिड का उच्छेदन व स्थानांतरण व होस्ट डीएनए में समाकलन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएँ संपन्न होती है। अगर हम बात करें रीजन ए की तो रीजन ए टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए वाला सेगमेंट होता है जिसकी लंबाई 25 केबी होती है। यह वह भाग है जो टीआई प्लाज्मिड से अलग होकर होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। रीजन ए का जो टीडीएनए सेगमेंट है वह मुख्य रूप से दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसके अंदर ऑन्को रीजन और दूसरा होता है इसके अंदर नॉर्थ साइड रीजन की। तो यह मुख्य रूप से तीन जीन्स से मिलकर बना होता है, टीएमआर जीन, टीएमएस फर्स्ट जीन, टीएमएस सेकेंड जीन। इन जीन्स के द्वारा कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस किया जाता है जो होस्ट सेल में पहुंचकर होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़कर उसमें ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, जहां पे प्रीकर्सर के रूप में इंडोल एसिटिक एसिड व आइसोपेंटिल एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट का सीक्रेशन किया जाता है जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन व साइटोकाइनिन बनने लगते हैं, फलस्वरूप होस्ट सेल के भीतर ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है। टीडीएनए के दूसरे साइट नॉर्थ रीजन की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर वे जीन्स उपस्थित पाए जाते हैं जो ऑक्टापाइन व नेपोलिन जैसे एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस करते हैं। टीडीएनए के बाद रीजन बी की यदि बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर टीआई प्लाज्मिड के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जिसे ओआरआई साइट कहा जाता है वह उपस्थित होता है जिसकी सहायता से टीआई प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन की क्रिया शुरू व नियंत्रित की जाती है। इसके बाद यदि रीजन सी की बात की जाए तो यह ओआरआई साइट व वायलेंट रीजन मीन्स रीजन बी व रीजन डी दोनों के बीच उपस्थित पाया जाता है जो कि रीजन ऑफ कंजुगेशन कहलाता है। इस साइट के द्वारा मुख्य रूप से प्लाज्मिड के संयुग्मन की क्रिया को कंजुगेशन की क्रिया व कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करना जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। डी रीजन की यदि बात की जाए तो यह टीआई प्लाज्मिड का अंतिम रीजन जो कि टीडीएनए के अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जिसे वीआईआर रीजन या वॉयलेंट रीजन के नाम से जाना जाता है। यह टीआई प्लाज्मिड के ट्रांसफर और ट्यूमर फॉर्मेशन दोनों क्रियाओं के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके द्वारा ऐसे विशिष्ट एंजाइम का निर्माण किया जाता है जो संक्रमण के लिए आवश्यक रहते हैं, साथ ही ट्यूमर फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। यह क्षेत्र लगभग 35 केबी लंबा होता है जिसके अंदर कुल 6 जीन्स उपस्थित पाए जाते हैं। इनमें से वॉयलेंट ए साइट, वॉयलेंट बी जीन, वॉयलेंट जी जीन व वॉयलेंट डी जीन कुल ए बी जी व डी इन 4 जीन्स के द्वारा संक्रमण की क्रिया की जाती है। वहीं वॉयलेंट सी व वीआईआर ई जीन्स के द्वारा ट्यूमर निर्माण में भी हेल्प किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था टीआई प्लाज्मिड व उसकी मुख्य संरचनाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।